संपूर्ण महाराष्ट्र में गडकिल्ले और निसर्ग संवर्धन का संदेश पहुँचेगा। आपला वारसा आपन जपूया, इस थीम अंतर्गत ऐतिहासिक और नैसर्गिक वारसा जतन और संवर्धन के लिए परिक्रमा शुरू होगी। चंद्रपुर शहर के ऐतिहासिक गोंडकालीन किले के 700 दिन स्वच्छता करने बाद चंद्रपुर में इकोप्रो के स्थानीय युवकों ने आपला वारसा आपनस जपूया ऐसा नारा देते किला स्वच्छता अभियान चलाया। इसी में चंद्रपुर नागरिकों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभाग और सहकार्य मिला। स्थानिक नागरिकों में ऐतिहासिक धरोहर को लेकर आस्था और देह प्रोत्साहन की प्रेरणा लेते संपूर्ण राज्य में ऐतिहासिक धरोहर और वन्य जीव के साथ निसर्ग संवर्धन का संदेश देने का उपक्रम हाथ लिया गया है। महाराष्ट्र वारसा जतन और संवर्धन संदेश परिक्रमा इस नाम से यह उपक्रम आने वाले 1 मई को महाराष्ट्र दिन से शुरू होने की जानकारी इकोप्रो के अध्यक्ष बंडू धोत्रे ने दी है। इस संदर्भ में दी प्रसिद्धि पत्रक से संस्था के अध्यक्ष बंडू धोत्रे ने बताया कि चंद्रपुर को ऐतिहासिक गढ़ किले का स्मारक का समृद्ध वारसा है। इसके अलावा ताड़ोबा के निमित्त वन्य जीव और निसर्ग की समृद्धि भी चंद्रपुर को मिली है। जिले में इकोप्रो दोनों आघाड़ियों पर सक्रिय होकर यह वारसा चंद्रपुर में ही नहीं तो संपूर्ण राज्य में संजोया जाए और संपूर्ण राज्य का ऐतिहासिक साथ ही नैसर्गिक वारसा संवर्धन हो, इस उद्देश्य से उक्त परिक्रम का आयोजन किया गया है। दोनों ही तरह का वारसा और दुविधा समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आज कई स्थान ऐतिहासिक धरोहर अनदेखी होकर उसका जतन और संवर्धन की जरूरत है तो नैसर्गिक धरोहर के अभयारण्य, व्याघ्र प्रकल्प, वन्य जीव, इनका अधिवास अनेक कारणों से प्रभावित। बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष से वन्य प्राणी संवर्धन की मुहिम संकट में आई है। इस पर कायम स्वरूपी उपाय योजना चलाने के लिए सभी स्तर पर जागृति की जरूरत है। इस दोनों ही तरह के वारसा संवर्धन जन जागृति की दृष्टि से यह परिक्रमा उज्जवल भविष्य के लिए अमूल्य साबित होगी। चंद्रपुर में वन्य जीव साथ ही ऐतिहासिक स्मारकों का वारसा संजोया होकर स्वयं प्रेरणा से लोगों को संवर्धन के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया गया। हमारी धरोहर हमने ही संजोनी चाहिए, यह भावना जैसी लोगों में निर्माण करने यश मिला और ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है। वैसा ही बदलाव राज्य भर के लोगों में से संस्फूर्ति से होने यह महत्वपूर्ण संदेश इस परिक्रमा से दिए जाने की जानकारी धोत्रे ने दी। इस परिक्रमा में इकोप्रो संस्था के 25 युवक अपने दुपहिया के साथ स्वयं प्रेरणा से सहभाग ले रहे होकर तकरीबन 5000 किमी के राज्य भ्रमण इकोप्रो का यह परिक्रमा दूत करने वाला है। चंद्रपुर से शुरू होने वाले इस परिक्रम का समारोह सेवाग्राम के बाद फिर चंद्रपुर में होगा। इस परिक्रमा दौरान राज्य भर के इस विषय से आस्था रखने वाले मान्यवर व्यक्तियों की भेंट लेकर उनका भी सहकार्य भविष्य के लिए लिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक जिले में जाकर संबंधित जिले से ऐतिहासिक वारसा और वन्य जीव नैसर्गिक वारसा संदर्भ में समस्याओं का जायजा लेते उसके निवारण के लिए उचित आराखड़ा बनाने संबंधी जिला स्तर पर स्थानिक साथ विशेषज्ञ इनकी बैठक भी ली जाएगी। इस माध्यम से राज्य भर बुने जाल का उपयोग चंद्रपुर के साथ ही संपूर्ण राज्य के इस क्षेत्र की समस्या निवारण के लिए किया जाएगा, ऐसा विश्वास धोत्रे ने व्यक्त किया। पूर्ण करणार आहे यामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक वारसा दोन्ही पण आहे। गेल्या 15 वर्षापासून इकोप्रो ह्या दोन्हीसाठी झटत आहे। यापैकी चंद्रपूर किल्ला स्वच्छता अभियान मागील 2 वर्षापासून आपण राबवत आहे आणि या चंद्रपूर किल्ल्याकडे जे काही ऐतिहासिक वास्तू आहे आणि याच्याकडे जे दुर्लक्ष झाल्यामुळे जे धुडकात पडलेली होती किंवा त्यावर मोठ्या प्रमाणात खंडर स्वरूप प्राप्त झालेलं होतं, आज तो मोकळा श्वास घेत आहे। सोबतच वनवन्यजीवांच्या संदर्भामध्ये पण आपण मोठ्या संकटांना आज सामना करत आहोत। मोठ्या प्रमाणात इथं जंगल आहे, वाघांची संख्या आहे, परंतु मानव वन्यजीव संघर्षासारखी समस्यासुद्धा आहे। आता ह्या ज्या काही अडचणी आहेत, परंतु या अडचणीवर मात करून आपल्याला हा वारसा पुढच्या पिढीला हस्तांतरण करायचा आहे, म्हणून हा संदेश घेऊन नागरिकांचा सहभाग यामध्ये मिळावा म्हणून ही संदेश परिक्रमाचं आयोजन 1 मे पासून इकोप्रो संस्था महाराष्ट्रभर परिक्रमा करणार आहे। या परिक्रमाचं स्वरूप आहे महाराष्ट्र वारसा जतन आणि संवर्धन संदेश परिक्रमा। महाराष्ट्रामध्ये जो काही नैसर्गिक वारसा आहे, ऐतिहासिक वारसा, या संवर्धनाचा संदेश देण्याकरिता आपला वारसा आपणच जपू शकतो म्हणून नागरिकांचा थेट सहभाग ह्या दोन्ही वारसा संवर्धनासाठी लाभावा म्हणून ही परिक्रमेचं आयोजन आहे। आणि 1 मेला सुरू होणाऱ्या परिक्रमाच्या माध्यमाने प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी, प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन जनजागृती करण्यात येणार आहे। इकोप्रोचे 25 कार्यकर्ते मोटरसायकल